नमस्ते। आइए गणेश चतुर्थी के उत्सव पे हम इन सारी घर की सारी चीजों के साथ बनाते हैं अपने प्यारे नवग्रह गणेशा। सबसे पहले आता है सन, जो रिप्रेजेंट करता है आटा, हमारे को कॉन्फिडेंस देता है, ये हमें लीडरशिप में हेल्प करता है। फिर हम डालते हैं हल्दी, जो हमारा जुपिटर रिप्रेजेंट करती है, ये हमें विद्या देती है, ये हमें ज्ञान देती है। हमने थोड़ा सा गंगा जल डाला, जो हमारे मून को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हमारे सारे इमोशंस आते हैं। फिर थोड़ी सी लग्जरी हमें चाहिए होती है, थोड़ा सा घी हमने डाला, जो हमारे वीनस को रिप्रेजेंट करता है। आइए इसका हम घोल बनाते हैं। ये हमारा तैयार हो गया गणपति जी का बेस। हमने इसे चार एलिमेंट से बनाया है। अब हमें क्या करना है, इस आटे की बॉल्स बनानी है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की बॉल्स बनाते हैं। अब ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब इनकी हेल्प से हम हमारे गणेशा को बनाते हैं। आइए पहले एक हमने रखी बड़ी बॉल, इसके ऊपर हमने एक और दिया, क्योंकि अब हमें उनका पूरा बॉडी पार्ट्स बनाने हैं। अब ये हमने रखी बॉल जो उनका फेस बनाएगा। इन तीन बॉलों से आप उनकी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर दे रहे हैं। पहले ऊपर थोड़ी छोटी बॉल और बेस में दोनों बड़ी बॉल है, और ये जब भी मतलब ये जब सूखेगा आटा तो ये और फॉर्म हो जाएंगे। अब हम इनका छोटा सा मुकुट बनाते हैं। हम इसे एक मोदक का आकार दे देते हैं, ये देखिए। अब हम इनकी सून बनाएंगे। अब हम थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी बॉल्स देके उनके कान बनाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा है तो हम इसको इक्वल करने के लिए थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखिए अब इनका कान तैयार हो गए। ऐसे हमने उनकी टांगों का आकार दिया। अब आखिर में रह गए उनके हाथ। ये अब हमने गणेशा का एक बेस बॉडी बना लिया है। अब हम बाकी ग्रहों की बात करेंगे। अब हम लेते हैं दो लौंग। ये लौंग शनि देव को रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारी लाइफ में विघ्न देते हैं, थोड़े डिले देते हैं। हम इनसे इन गणेशा की आंखें बनाएंगे। और अब हम ये लेते हैं मसूर की दाल। मसूर की दाल प्लैनेट मार्स डिफाइन करती है। ये हमारा गुस्सा, एंगर, ये हमारी चीज़ों को स्पीड अप करता है। तो हम ये मसूर की दाल गणेशा की सूंड पे लगाएंगे। ये लग गई हमारी मसूर की दाल, जो हमारा गुस्सा कम करती है। अब हम लगाते हैं काले तिल और सफ़ेद तिल, ये केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको गणेश जी के चूहे के रूप में नीचे नीचे दबा देंगे, क्योंकि ये हमारा ईगो, जैसे हम अपने ईगो को दबाते हैं वैसे ही हम इसे नीचे दबा देंगे एक चूहे के रूप में, कि हमारा ईगो दबे, हमारा अहंकार दबे। फिर आता है उड़द की दाल, काले उड़द की दाल जो राहु को रिप्रेजेंट करते हैं, ये हम गणेशा के कानों में लगाएंगे। ये हमारी सारी नेगेटिविटी, कोई भी नज़र या कुछ भी हो, ये उनको हटाता है। ये ऐसे हमने उनके कानों पे लगा दिया काली उड़द की दाल। अब आखिरी प्लैनेट हमारे बचे मरकरी, बुध। इसमें हम लेंगे धनिया, ये हमारी कम्युनिकेशन को बढ़ाते हैं। इसको हम गणेशा के हाथों पे लगाएंगे और इनको हम चारों तरफ फैला देंगे, क्योंकि ये जितना बढ़ेंगे हमारी लाइफ में उतना कम्युनिकेशन अच्छा होगा, हम आगे बढ़ेंगे, हमारी बुद्धि खुलेगी। जो बुध का प्लैनेट है, ये हमारे को आगे बढ़ाता है, सक्सेस देता है, हमारी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाता है। और जब हम गणेशा को अपने घर में विसर्जित करेंगे तो हम इसको एक प्लांट में डाल देंगे, और यही धनिया के बीज आपके बढ़ेंगे और आगे फलेंगे। ये हो गए हमारे गणेशा तैयार, नवग्रह के गणेशा। गणपति बापा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।